हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्या शहनाज़ को पैसों के लिए इतने छोटे इवेंट्स में नाचने जाना पड़ रहा है और अपनी गेस्ट अपीयरेंस देनी पड़ रही है? तो फैंस नाराज़ हैं शहनाज़ के इस डिसीज़न से। क्यों हुआ है ऐसा, पूरी बात बताऊंगी। नाराज़ ही नहीं है वो, शहनाज़ को काफ़ी भला बुरा भी बोल रहे हैं, काफ़ी गलत कमेंट्स कर रहे हैं। उन्हें टैग कर कह रहे हैं कि हम इतने दिन से सपोर्ट कैसे ले कर रहे थे कि तुम ये सब करो, बहुत कुछ बोला जा रहा है। जब से शहनाज़ के शो के लिए पोस्टर्स आए हैं कि US में जो उनके शोज़ होने हैं उनके लिए पोस्टर आए हैं, तो तब से फैंस काफ़ी नाराज़ हैं। एक तो सबसे पहले उनका कहना है कि ये जो भी काम था, जैसे पोस्टर वगैरह आ रहे हैं, कब कहाँ क्या है, ये शहनाज़ को भी अपडेट देनी चाहिए थी कि उनके फैंस जो है वो टिकट्स ख़रीद सके या जाना चाहते हैं तो। क्योंकि शहनाज़ ने कोई अपडेट नहीं दी है, अपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं किया है। सिर्फ जो ये कंपनी है, ये जो वर्ल्ड टूर कराती है या ये शोज़ करा रही है, उन्होंने ही ये सब पोस्टर पोस्ट किए हैं। समर सोयरे शहनाज़ गिल ऑन इवनिंग ऑफ डिनर डांस म्यूज़िक एंड फन। तो ये सारे मतलब इवेंट्स होने हैं कहीं पे, ये बताया ना उन्होंने, इवनिंग डिनर है और कहीं पे जो ऐसे क्लब्स वगैरह होते हैं वहाँ डांस के लिए जाना है, और कुछ इवेंट्स हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं जहाँ शहनाज़ को मतलब अपनी अपीयरेंस देनी है। राउंड टेबल मतलब पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या है ये। ये संडे जुलाई 28 का आया है, 2 से 7 शहनाज़ गिल तेयान फेस्टिवल। तो ये सब फेस्टिवल्स में शहनाज़ को जाना है और अपनी प्रेजेंट अपने आप प्रेजेंट करना है, डांस वगैरह जो भी है। ये कोई उनका इस तरह का शो नहीं है जिस तरह से फैंस उम्मीद कर रहे थे ना। वर्ल्ड टूर होता है, सिंगर्स आते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं, जो इस तरह के शोज हो नहीं उनको वहाँ पे, सिर्फ ये जो भी इवेंट्स हैं वहाँ पे अपनी अपीयरेंस देनी है। हाँ, डांस वगैरह हो सकते हैं वहाँ पे भी, जैसे क्लब वगैरह में शहनाज़ को जब बुलाया जाता है गोवा वगैरह, लेकिन वो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े क्लब्स हैं। अब जो यहाँ जो फैंस नाराज़ हैं उसका कारण ये है, जो जानने वाले हैं जो US से बिलोंग भी करते हैं या वहाँ के इवेंट्स को जानते हैं, कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शहनाज़ से कराई जा रही हैं। उनके नाम के अकॉर्डिंग शहनाज़ को वहाँ नहीं जाना चाहिए, जैसे कह रहे हैं कि इवनिंग डिनर हो गया या ये जो फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं उनमें शहनाज़ को बुलाना गेस्ट के लिए। तो इसलिए फैंस नाराज़ हैं कि मतलब शहनाज़ का नाम काफ़ी बड़ा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सिर्फ पैसों के लिए शहनाज़ को हाँ नहीं भरनी चाहिए थी ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए, डांस करने के लिए। यही नहीं, काफ़ी सारे लोग तो उनकी टीम तक को गालियां तक दे रहे हैं कि उनका करियर बर्बाद करने में लगे हैं, बहुत कुछ बोला जा रहा है। शहनाज़ को भी कहा जा रहा है बच्ची नहीं हो, समझ नहीं है कि क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो गाइज़, ये सब बातें मैंने आपको बताई जो काफ़ी सारे फैंस कह रहे हैं, जो अपने आप को काफ़ी सेंसिबल बोलते हैं और शुरू से कि हम शहनाज़ का सपोर्ट करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, उनसे उनको सपोर्ट करते हैं शुरू से ही, उनके बड़े बड़े इवेंट्स में टिकट्स खरीद के जाते हैं, वो लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ भाई, सारा अली खान तक भी मुझे लगता है लास्ट ईयर गई थी शायद वो भी इस तरह के टूर पर गई थी US, वहाँ उन्होंने भी कुछ फेस्टिवल्स में कुछ इवेंट्स में अटेंड किए थे, वहाँ परफॉर्मेंस दी थी। तो भाई वो छोटी सेलिब्रिटी हो गई क्या? हाँ, या वो शहनाज़ से छोटी सेलिब्रिटी इसलिए उन्होंने दिए थे? और वैसे भी जहाँ शहनाज़ को बुलाया जाएगा वो अपने आप में एक बड़ा इवेंट हो जाएगा। तो चिल गाइस, आप खुद इतना दिमाग मत लगाया करो, उसके पास इतनी बड़ी टीम है, सब लोग हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं सोच सकते। और शहनाज़ में क्या समझ नहीं है, वो क्या आप सबसे पूछ पूछ के अब तक डिसीज़न लेती आई है कि इस वजह से यहाँ पहुँची, और अब की बार आप तुम लोगों से पूछा नहीं है? सो कॉल्ड पेरेंट्स जो अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो भी वो करती आई है वो अब तक उसके खुद के डिसीजंस हैं, वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है, और जो उसके डिसीजंस हैं उसको हमेशा हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। तो ये जो उसका डिसीज़न है वो भी अच्छा ही रहेगा और अच्छा ही होगा। अभी तो आपको क्या ही पता है कि क्या क्या होने वाला है वहाँ पर। ओके गाइस।